देखिए, आलोचना का सामना करने के लिए साहसी होना एक बात है, लेकिन उसी के बारे में अहंकारी होना दूसरी। इस समय भारतीय टेस्ट क्रिकेट उथल पुथल की स्थिति में है। टीम के हाल के प्रदर्शन ऑफ फील्ड व्यवहार के साथ मिलकर न केवल विवादों का बखेड़ा खड़ा कर रहा है, अपितु देश में क्रिकेट के महत्व के बारे में भी सवाल उठा रहा है। नमस्कार, यह TFI और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा सिक्सर संस्कृति के आगमन और खिलाड़ियों के बीच के VVIP कल्चर से और क्यों इसके कारण भारतीय टेस्ट क्रिकेट गुमनामी की राह पर है। कभी वैश्विक महाशक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक रहे भारतीय टेस्ट क्रिकेट का भविष्य डावाडोल दिख रहा है। टूर्नामेंट हारना शर्म का विषय तो रहा ही नहीं, ये तो मानो एक प्रवृत्ति ही बन चुकी है। कभी टेक्निक और आक्रामकता पर जोर देने वाले भारतीय क्रिकेटर अब सिक्सर कल्चर की ओर आकृष्ट हो चुके हैं। ये न केवल चिंताजनक है अपितु खेल भावना के लिए हानिकारक भी। मैच या टूर्नामेंट से अधिक महत्वपूर्ण अब नोट छापना हो गया है। स्वाभाविक रूप से खेल आलोचना के लिए मार्ग खुले रखता है। खिलाड़ी सार्वजनिक हस्तियों के रूप में समालोचना और विश्लेषण के अधीन है, परंतु जो भारतीय क्रिकेटर इस समय कर रहे हैं वह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। विराट कोहली जैसे हाई प्रोफाइल खिलाड़ियों ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आलोचकों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया प्रदर्शित किया है, जबकि रोहित शर्मा की हाल ही में बेस्ट ऑफ थ्री प्रदर्शनी मैच की मांग ने क्रोधाग्नि को भड़काया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस के मुंहतोड़ जवाब से भारतीय क्रिकेटरों का रवैया तीखी वैश्विक जांच के दायरे में आया। कमिंस ने सूक्ष्मता से भारतीय क्रिकेट टीम के लोकाचार पर प्रहार करते हुए उन्हें याद दिलाया कि कई खेलों में अपनी योग्यता साबित करने के लिए केवल एक ओलंपिक फाइनल पर्याप्त होता है। उनकी टिप्पणी भारतीय क्रिकेट के मूल्यों में कथित बदलाव के बारे में वैश्विक क्रिकेट समुदाय की चिंता का प्रतीक है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय क्रिकेटरों द्वारा प्रदर्शित होलियर देन थाउ रवैया शून्य में मौजूद नहीं है, एक बड़े मुद्दे का हिस्सा है जिसने तेजी से प्रशंसकों को अलग थलग कर दिया है और यहां तक कि पूर्व खिलाड़ियों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। यह अहंकार न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को धूमिल करता है अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय में देश की छवि को भी प्रभावित करता है। भारतीय टीम के हाल के निराशाजनक प्रदर्शन ने मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की भूमिका को भी संदेह के घेरे में रखा है, जिसमें उनके कोचिंग दृष्टिकोण पर कई उंगलियां उठाई गई हैं। विशेष रूप से पूर्व टीम के साथी सौरव गांगुली और हरभजन सिंह ने भी चिंता जताई है। गांगुली ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बल्लेबाजों के लगातार संघर्ष और उनके गिरते औसत पर प्रकाश डाला है। भारतीय क्रिकेट पर इंडियन प्रीमियर लीग के प्रभाव की भी कड़ी आलोचना हुई है। कभी घरेलू क्रिकेट को धार देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया IPL ने भारतीय क्रिकेटरों का ध्यान अंतरराष्ट्रीय गौरव से वित्तीय लाभ पर केंद्रित कर दिया है। ऐसे में गांगुली का IPL का हालिया बचाव न केवल हास्यास्पद है अपितु चिंताजनक भी। इस मुद्दे को और जटिल करते हुए प्रतीत होता है BCCI की त्रुटिपूर्ण चयन नीतियां। महत्वपूर्ण मौकों पर खराब प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को लगातार सम्मिलित करना और रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी को दरकिनार करना बहुत ही अशोभनीय है। KL राहुल और KS भरत जैसे खिलाड़ियों को वरीयता देने के आरोपों के साथ टीम प्रबंधन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है, जबकि संभावित रूप से अधिक योग्य खिलाड़ी बेंच गरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संक्षेप में सिक्सर संस्कृति के उदय और खिलाड़ियों के बीच एक VIP रवैये ने इस गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने अतीत के गौरव और अपने उत्साही प्रशंसकों के सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए भारतीय क्रिकेट को इन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। ये सही समय है जब हम खेल भावना को पुनर्जीवित करें, व्यावसायिक लाभ के बजाय प्रदर्शन पर जोर दें और ये सुनिश्चित करें कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता आधारित हो। भारतीय टेस्ट क्रिकेट का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।